जिंदगी वही भला बुरा कट के दुख सुख से कट रहा है, जो जैसे जहाँ हो रहा अपना कर रहे हैं। कितना साल से काम कर रहे हैं आप? हम तो काम कर रहे हैं लमसम 15 साल से। 15 साल से काम कर जी? अच्छा, 15 साल से कौन चीज का काम कर रहे हैं? कभी पहले करते थे बैग का जी। बैग नहीं हुआ सक्सेस तो खैनी का किए। अच्छा। खैनी का नहीं हुआ सक्सेस तो चप्पल बनाना सीखे। अच्छा, तो चप्पल में भी नहीं हुआ तो लास्ट में अपना ही दुकान साइकिल का, वही में लगे हुए अपना दिन दुनिया देख रहे, वही में कमा रहे जी। अच्छा, घर पे कितने आदमी हैं आपके? हमारे घर में 4 भाई है, 3 बहन है। 3 बहन है जी। अच्छा, कैसे घर बार चल रहा है? कि कोई और भाई सपोर्ट करते हैं या आप ही सिर्फ पैसे देने? जी है, मेरा एक मंझिल का भाई है जी, जिसका नाम मोहम्मद राजा है जी। वो मोबाइल का काम करते हैं, वही घर परिवार को संभाले हुआ है। जहाँ तक वो हमको भी हेल्प करते हैं। और पापा, और आप घर में पैसे वगैरह देते हैं कुछ? जी जी, जो भला बुरा होता है 10 रुपया हो या 5 रुपया हो, घर में देते हैं। देते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, खास करके जो है आप साइकिल का काम कर रहे हैं, आप मजबूर हैं जी, कितनी दिक्कत होती है आपको साइकिल के काम करने में? जी, दिक्कत तो बहुत होता है कि उठ बैठ करना, यानी अब हमको बस की बात नहीं है साइकिल बनाना। अच्छा, अब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जैसे बैठते तो जैसे लगता है डांड पीटी टूट रहा है, ऐसा होता है जी। आप नहीं सक पाते हो इस सब साइकिल के काम में। अब वैसे भी साइकिल है ही नहीं मार्केट के अंदर जी, जी। खत्म हो गया, मोटरसाइकिल ज़्यादा है तो धंधा पानी भी नहीं चलता। धंधा पानी भी नहीं है। पहले था कि साइकिल था तो 200, 400, 500 हज़ार हो जाता था जी। आप जो है 50-25 नहीं हो रहा है जी। तो बस यही है, गुटखा का दुकान रखे हुए, हल्का फल्का जो आ रहा अपना 50-60 रुपया पॉकेट खर्च उसमें लगे हुए हैं। किसी से मांगने तो नहीं नहीं जाएंगे भाई। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? विकलांग पेंशन आपको मिल रहा है? नहीं, वो मिलता था, वो बैंक अकाउंट जब हाथों हाथ था तो ठीक था, बैंक में गया उसके बाद जो है पैसा बंद हो गया, पैसा आना ही बंद हो गया, पैसा ऐबे नहीं किया एको दिन अकाउंट में जाने के बाद। विकलांग पेंशन देख सकते हैं, विकलांग पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे बहुत सारे तरीका का पेंशन आता है जो सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाता है, चाहे वो गरीब गुरबा हो चाहे वो मजबूर हो। ये देख सकते हैं असलम भाई हैं, इनका कहना है कि हमको मेरा पेंशन भी बंद हो चुका है, अब पेंशन नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, पेंशन नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? करीब और लमसम 2-3-4 साल हो गया। तो आपने कोशिश किया कोई प्रतिनिधि या कोई नेता के पास गए? नहीं नहीं गए, झूठ का ही कहे। नहीं गए इसलिए नहीं गए, हम बूझ रहे कि बात कहेगा कि फार्म भरो, उसके पास एप्लीकेशन दो, उसको दो, तो कौन जाएगा उतना माथा पच्ची करने के लिए। अच्छा। इसलिए हम नहीं गए। अच्छा, ये बताइए कि आपको, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेरे चैनल को देख करके फॉलो करके, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत सारी दौलतें दी हैं और वो अगर आपको हेल्प करना चाहे, मदद करना चाहे, वो अगर चाहें तो किस तरीक़ा से आपकी मदद करें? वो बेटा बन गए या भाई बन के मदद करे, मतलब उनको आना पड़ेगा आपके पास जी, या नहीं तो कॉल करेगा तो हम उनके जगह तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कौन सा काम करना चाहते हैं जो आपसे काम हो जाएगा? हम बस आप ये चाहते हैं कि हम एगो जनरल स्टोर हो जाए हमें बहुत अच्छा से, उसके बाद अपना जीवन रोटी उसी से हम काट लेंगे। जनरल स्टोर जी, जनरल स्टोर में अपना काम सब करें जी। तो उसमें कितना का खर्चा होगा? उसमें लमसम 3-4 लाख रुपया लगेगा। उससे कम बताइए, क्योंकि कोई भी आदमी तो उससे बहुत होगा तो 1 लाख रुपया 50,000 उसमें हो जाएगा जी। तो देख सकते हैं असलम भाई हैं जो अपना रोज़गार करना चाहते हैं, क्योंकि साइकिल के काम करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। अगर कोई भाई ऐसे हैं जो इनकी मदद करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि इनसे डायरेक्ट आके मिले, जो मोमिन टोला में आपको जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बगल में इनकी साइकिल की दुकान है। आप डायरेक्ट अगर चाहते हैं मदद करना तो चाहे जैसी भी मदद हो इनको आप कर सकते हैं, क्योंकि मजबूर है, मोहताज है और इनको आपकी मदद की ज़रूरत है।